मनाते हैं
सारा विश्व पी जाते हैं, देवता उन्हें मनाते हैं। सारा विश्व पी जाते हैं, गंगा जल क्यों चढ़ता शिव पे भक्तों तुम्हें बताते हैं, भोले को शीश नवाते हैं। अपने रोक लिया, कंठ में अपने रोक लिया, नीला पड़ गया कंठ भी विष से विचलित, भोले जी को किया विचलित, भोले जी को किया। सब चिंतित हो जाते हैं, विष्णु शरण में आते हैं। सब चिंतित हो जाते हैं, विष्णु शरण में आते हैं। गंगा जल क्यों चढ़ता शिव पे भक्तों तुम्हें बताते हैं, भोले को शीश नवाते हैं। सब देवों ने आकर के विष्णु जी को प्रणाम किया, विष्णु को प्रणाम किया, बोले कि बेचैन हुए सु कोई उपाय तो बतलाए, कोई उपाय तो बतलाए। गंगा जल मंगवाते हैं, भोले के शीश चढ़ाते हैं। गंगा जल मंगवाते हैं, भोले के शीश चढ़ाते हैं। गंगा जल क्यों चढ़ता शिव पे भक्तों तुम्हें बताते हैं, भोले को शीश नवाते हैं। तब से ही तो शिवलिंग पे गंगा जल चढ़ता आया है, गंगा जल चढ़ता आया है। शिव भोले होते हैं पर सन वेदों ने बतलाया है, वेदों ने बतलाया है। भक्त जो कांवड़ लाते हैं पर था वही निभाते हैं, भक्त जो कांवड़ लाते हैं पर था वही निभाते हैं। गंगा जल तू चढ़ता शिव पे भक्तों तुम्हें बताते हैं, भोले को शीश नवाते हैं। लंका विजय को श्री राम जी सागर तट पर आए थे, सागर तट पर आए थे। प्राण प्रतिष्ठा कर लिंग की वो जलाभिषेक कराए थे, जलाभिषेक कराए थे। शिव शंकर को ध्याते हैं तब लंका में जाते हैं, शिव शंकर को ध्याते हैं तब लंका में जाते हैं। गंगा जल क्यों चढ़ता शिव पे भक्तों तुम्हें बताते हैं, भोले को शीश नवाते हैं। मेरठ जिले में गांव पूरा ही जिसे कजरीवन कहते थे, जिसे कजरीवन कहते थे। ऋषि जंदागन निज धर्म पत्नी रेणुका के संग रहते थे, रेणुका के संग रहते थे। अति सिद्ध मुनि बताते हैं ईश्वर के गुण गाते हैं, अति सिद्ध मुनि बताते हैं ईश्वर के गुण गाते हैं। गंगा जल क्यों चढ़ता शिव पे भक्तों तुम्हें बताते हैं, भोले को शीश नवाते हैं। एक दिन चंदादनी ऋषि को काम बाहर का आया था, काम बाहर का आया।
आया था। पत्नी रेणुका को बुलवा ऋषि ने ये समझाया था, ऋषि ने ये समझाया था। देवी बाहर जाते हैं सीधा लौट के आते हैं, देवी बाहर जाते हैं सीधे लौट के आते हैं। गंगा जल क्यों चढ़ता शिव पे भक्तों तुम्हें बताते हैं, भोले को शीश नवाते हैं। बोले ऋषि की अति पीछे से कोई अतिथि आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, बिन आदर सत्कार के देवी खाली लौट नहीं जाए, खाली लौट नहीं जाए। अतिथि देव बताते हैं भाग्यवान घर आते हैं, अतिथि देव बताते हैं भाग्यवान घर आते हैं। गंगा जल क्यों चढ़ता शिव पे भक्तों तुम्हें बताते हैं, भोले को शीश नवाते हैं। वचन निभाऊंगी मैं आपके वचन निभाऊंगी, कर आदर सत्कार सभी का आपकी शान बढ़ाऊंगी मैं आपकी शान बढ़ाऊंगी। सुन के ऋषि हर जाते हैं काम पे अपने जाते हैं, सुन के ऋषि हर जाते हैं काम पे अपने जाते हैं। गंगा जल क्यों चढ़ता शिव पे भक्तों तुम्हें बताते हैं, भोले को शीश नवाते हैं। राजा सहस्त्र बाहु आए फिर जंगल में शिकार को, फिर जंगल में शिकार को। देखा ऋषि पत्नी को मन में करने लगे विचार वो, करने लगे विचार वो। ऋषि कुटिया में जाते हैं पीना जल वो चाहते हैं, ऋषि कुटिया में जाते हैं पीना जल वो चाहते हैं। गंगा जल क्यों चढ़ता शिव पे भक्तों तुम्हें बताते हैं, भोले को शीश नवाते हैं। ऋषि पत्नी ने राजा को फिर शीतल जल भी पिलाया था, शीतल जल भी पिलाया था। कामधेनु की कृपा से उन्हें भोजन भी करवाया था, भोजन भी करवाया था। जब वो तृप्त हो जाते हैं भेद जानना चाहते हैं, जब वो तृप्त हो जाते हैं भेद जानना चाहते हैं। गंगा जल क्यों चढ़ता शिव पे भक्तों तुम्हें बताते हैं, भोले को शीश नवाते हैं। बोले राजा इतना स्वादिष्ट भोजन कहाँ से आया है, भोजन कहाँ से आया है। स्वामी आपके ना घर में कैसे संभव हो पाया है, कैसे संभव हो पाया है। रोज ही भोजन खाते हैं पर ऐसा ना पाते हैं, रोज ही भोजन खाते हैं पर ऐसा ना पाते हैं। गंगा जल क्यों चढ़ता शिव पे भक्तों तुम्हें बताते हैं, भोले को शीश झुकाते हैं।
ऋषि पत्नी बोली है हमारे पास काम धेनु गाए, पास काम धेनु गाए। जो कुछ हम चाहते हैं इससे वो है ये देती जाए, वो है ये देती जाए। इसकी टहल बजाते हैं जो चाहे वो पाते हैं, इसकी टहल बजाते हैं जो चाहे वो पाते हैं। गंगा जल क्यों चढ़ता शिव पे भक्तों तुम्हें बताते हैं, भोले को शीश नवाते हैं। कामधेनु गाय को देख के राजा का मन ललचाया, राजा का मन ललचाया। ले जाऊंगा इस गाय को ये उनके मन में आया, ये उनके मन में आया। ले जाना उसे चाहते हैं पर बेबस हो जाते हैं, ले जाना उसे चाहते हैं पर बेबस हो जाते हैं। गंगा जल क्यों चढ़ता शिव पे भक्तों तुम्हें बताते हैं, भोले को शीश नवाते हैं। सौ यत्नों के बाद भी जब ना काम धेनु काबू आई, काम धेनु काबू आई। ऋषि पत्नी को ही ले जाऊं राजा के मन में आई, राजा के मन में आई। बल प्रयोग दिखाते हैं रेणुका को ले जाते हैं, बल प्रयोग।